वेलकम ऑन जी आर एस टेक्निकल। और आज हम जानेंगे चैप्टर 2 क्लास 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हर साल बोर्ड्स में रिपीट होता है। तो यहाँ 2007 में आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है व्हाई शुड वाटर बी नेवर एडेड ड्रॉप वाइज टू कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक बोर्ड्स में। इट इज़ बिकॉज द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड बियॉन्ड कंट्रोल एंड बॉटल में ब्रेक। इस टाइप के क्वेश्चन। फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सब का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, यूजेस अच्छे से आप याद कर लेना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स में और आपके क्लास एग्जाम्स में भी, जैसा कि इस साल भी बोर्ड्स में रिपीट हुआ था ऐसा क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हो दो मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। अ कंपाउंड एक्स ऑफ सोडियम इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्यूरिंग एसिडिटी इन आवर स्टोमिक। आइडेंटिफाई एक्स दैट वॉट इज केमिकल फॉर्मूला। स्टेट द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस वेन इट हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। एक्स इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज यूज फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्योरिंग एसिडिटी इन आवर स्टोमिक। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3। इट डिकम्पोजेज टू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन हीटिंग। और इसका केमिकल फॉर्मूला होगा 2NaHCO3 हीट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। फिर बेकिंग पाउडर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेकिंग पाउडर। व्हाट इज बेकिंग पाउडर? हाउ डज इट मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी? बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टारिक एसिड। ऑन हीटिंग इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। फिर बेकिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर होता है, वॉशिंग पाउडर, ये सब आप अच्छे से याद कर लेना। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। केमिकल फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का NaHCO3। आप लोग कंफ्यूज मत होना वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा इज यूज एज एन एंटा एसिड। इट रिमूव्स एक्सेस ऑफ एसिड इन आवर स्टोमिक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ इन स्टोमिक। फिर डिफरेंसेस आएगा एसिड्स और बेसिस में। आप एसिड्स और बेसिस के बीच में डिफरेंसेस अच्छे से लिख लेना। द रेड लिटमस विल चेंज टू ब्लू इन सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन बेस। एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, वेयर एज बेसिस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। फिर एक क्वेश्चन ये आता है एग्जाम्स में, थोड़ा लॉजिकल टाइप। कर्ड इज नॉट केप्ट इन क्रॉप्स कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स। वाई? कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंसेस कंटेन एसिड विच रिएक्ट विद ब्रास एंड कॉपर वेसल टू फॉर्म पॉइजनस सॉल्ट विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ये क्वेश्चन 2009 में आया था। फिर एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो 3 नंबर का आता है। अ कंपाउंड विच इज प्रिपेयर फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग वेन मिक्स विद प्रॉपर क्वान्टिटी ऑफ वाटर। आइडेंटिफाई द कम्पोनेंट, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रिपरेशन, मैंशन वन यूज ऑफ द कंपाउंड। तो प्लास्टर ऑफ पैरिस होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम का 373 केल्विन पे उसको रखेंगे तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हुआ। ये हॉस्पिटल्स में यूज होता है फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर बोन और ऐसे फॉर मेकिंग स्टैचूज। ये ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड टॉयज ऑल्सो। 2 एग्जाम्पल्स आप याद रखो और अगर आपसे पूछिए एक तो आप एक लिखो, बट एक नॉलेज के लिए आपके पास होना ज़रूरी है। आपके NCERT बुक में दिया हुआ होगा pH वैल्यू, pH स्केल भी आप अच्छे से लर्न कर लेना, वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हो एक मार्क्स क्वेश्चन में आया है। द pH ऑफ सैम्पल ऑफ वेजिटेबल सूप वाज फाउंड टू बी 6.5। हाउ इट इज सूप लाइकली टू टेस्ट? द टेस्ट विल बी साइटली सॉर एज वीकली एसिडिक। तो आप ये सब अच्छे से याद कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से याद कर लेना।
इस चैप्टर में पांच चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेन है। सबसे पहला है बेकिंग सोडा, सेकंड वॉशिंग सोडा, तीसरा तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड फोर्थ थिंग इज पीएच वैल्यू, और फिफ्थ थिंग है इसमें का इक्वेशन केमिकल फॉर्मूला। तो आप ये सब अच्छे से आप याद कर लेना, लर्न कर लेना, और एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन आप पढ़ो और उसको रिवाइज करो, प्रिपेयर करो एग्जाम में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सको। यहाँ फिर से देखो, आपसे फिर से पूछा गया है बेकिंग सोडा के बारे में, फिर यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अ मेटल कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 टू प्रोड्यूस एफरसेंस, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम सल्फेट देन वॉट इज एक्स एंड द गैस इवॉल्व, ऑल्सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन विच अकर, नेम वन एंटा एसिड, हाउ डज इट हेल्प टू रिलीव इनडाइजेशन इन स्टोमिक, अ फार्मर ट्रीट्स द सॉइल विथ क्विकलाइम और कैल्शियम कार्बोनेट, राइट इट द नेचर ऑफ द सॉइल, वाई डज द फार्मर ट्रीट द सॉइल विथ क्विकलाइम, एक्स इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, द गैस इवॉल्व इज CO2 CaCO3 प्लस H2SO4 CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2 इसका फॉर्मूला होगा, और NaHCO3 इज एंटा एसिड, इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड फॉर्म इन स्टोमिक, द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, द फार्मर वॉन्ट्स टू मेक इट न्यूट्रल बाय एडिंग क्विकलाइम विच इज गुड फॉर क्रॉप्स। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप लाइन बाय लाइन NCERT बुक थॉरली पढ़ो, एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और अगर कोई भी अगर आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।